and i'm गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाइड लाइट में काफी सारे यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है हम इसका डिटेल वॉक राउंड रिव्यू शेयर करने वाले हैं ऑनरोड प्राइस के बारे में बात करेंगे एंड जो बाकी इसके राइवल व्हीकल्स हैं उनका ऑनरोड प्राइस कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आप बेस्ट कार परचेज कर सके सो so, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर ले गाइज एंड बेलाइकिन को जरूर प्रेस कर दे इस वीडियो को लाइक करना ना बोले सो ये है फोर्ट फीगो का टाइटेनियम ट्रिम विच इज मोस्ट सेलिंग एंड वैल्यू फॉर मनी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन सो यहाँ पे डायमेंशन कंपैरिजन देख सकते हैं साथ में फ़ीगो का जो बूट स्पेस है दैट इज़ टू फिफ्टी सेवन लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको पेट्रोल में मिलती है फोर्टी टू लीटर्स डीजल में फोटी लीटर्स ग्राउंड क्लियर वन सेवेंटी फोर एम एम टर्निंग रेडियस फोर पॉइंट नाइन मीटर्स कर वेट वन जीरो वन सिक्स के जी से लेकर वन जीरो सिक्स सेवन के जी सो गाइज यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ फ्रेंड आपको नॉर्मल हेलोजन हेड लैम्प मिल जाते हैं हाई बीम एंड लो बीम दोनों ही हेलोजन में दी गई है एंटीटर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे कार को अनलॉक करेंगे तो कुछ ऐसे लैम्प ग्लो हो जाते हैं जो है वेलकम लैम्प फंक्शन और ये है फ्रंट ग्रिल विद क्रोमेसेंट्स एंड यहाँ पे फॉग लैम इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ्रंट में कंप्लीट मड गार्ड मिल जाता है बट दोस्तों यहाँ पे अंडरबॉडी इंजन गार्ड या फिर अंडरबॉडी प्रोटेक्शन किट अवेलेबल नहीं है ना ही आपको पेट्रोल में मिलेगी ना ही आपको डीजल में मिलेगी ऑल्सो फॉर फीगो इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2009 में और इसके लिए थ्री लाख जो है वो सेल माइलस्टोन क्रॉस हुए थे 6 अगस्त 2013 में एंड दोस्तों सेकेंड जनरेशन जो फीगो है वो लॉन्च करी गई थी 23 सितंबर 2015 में ऑल्सो फीगो में आपको यहाँ पे टॉप क्लास बिल्ड क्वालिटी मिलती है ये बेस्ड है ऑन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फी प्लेटफॉर्म विच इज एम के फाइव फी प्लेटफॉर्म यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ करा गया है एंड फीगो ने स्कोर करे हैं फोर स्टार इन एं लेटिन एन कैप टेस्ट एंड फर्दर मोर यहाँ पे देखेंगे तो गई सुपर स्टाइलिश आपको फिफ्टीन इंचज के डायमंड के टलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद गन मेटल फिनिश एंड दीज आर वन नाइनटी फाइव बाई फिफ्टी फाइव आर फिफ्टीन प्रोफाइल टायर्स फ्रंट फेंडर पे कुछ आपको स्टाइलिंग मिल जाएगी विंग मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स बी पिलर माइक्रो रूफ एंड दिस इज द दिसर लुक एंड दोस्तों यहाँ पे Ford Figo की जो सर्विस कॉस्ट है पेट्रोल की भी एंड डीजल की भी वो भी अप टू टेन ईयर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स सो फिगो टैटे में अवेलेबल है डुअल फ्रंट ईयर बैग साथ में यहाँ पे जो डोर्स है वो 15 की स्पीड के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं

अलर्ट्स मिल जाते हैं साथ में यहाँ पे लो फ्यूल रिमाइंडर मिल जाएगा एंड यहाँ पे ऑयल लाइफ रिमाइंडर भी मिल जाता है सो लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल है डुअल टोन रियर बम्पर यहाँ पे सुपर स्पोर्टी आपको रियर बम्पर मिलेगा विद लॉट्स ऑफ कट्स एंड क्रीजेस फोर सेंसर्स दिए गए हैं लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको हेलोजन में मिलती है और यहाँ पे टेल लैम्प साथ में टाइटेनियम की बैजिंग टी डी सी आई एंड अगर हम इसको डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे टेल गेट अनलॉक हो जाएगा सो so यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द टोटल कार्गो एरिया विच इज टू फिफ्टी सेवन लीटर लगेज लैम मिल जाता है हुक मिल जाते हैं आपको दोनों साइड हुक अवेलेबल है यहाँ पे लोडिंग लिप आपको थोड़ा हाई मिलता है टायर और अब यहाँ पे पार्सल ट्रे को भी रिमूव कर देते हैं एंड देन सीट्स को फोल्ड डाउन करके चेक करते हैं टोटल हमें यहाँ पे एक्चुअल में कार्गो एरिया कितना मिल जाता है सो so, यहाँ पे बेंच होल्डिंग सीट्स देखिए सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट फंक्शन आपको नहीं मिलता एंड दोस्तों ये है टोटल कार्गो एरिया ऑफ फॉर ईगो इसको भी क्लोज कर देते हैं कलर ऑप्शन की चॉइस मिल जाती है विच आर रूबी रेड मुंडस सिल्वर स्मोक ग्रे वाइट गोल्ड और इसी के साथ गाइज यहां पे आपको थ्री इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू फाइव इयर्स एंड रोड साइड असिस्टेंस भी आप बाद में परचेज कर सकते हैं फ्रंट में डिस्क एंड में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल है और सस्पेंशन यहाँ पे बिल्कुल आपको परफेक्टली ट्यून मिलता है किसी भी टाइप की बॉम्ब स्पॉट होल्स विलेज रोड को इजीली मैनेज कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम इवन फॉर लॉन्गेस्ट जर्नीज आपको यहाँ पे बहुत ही स्टेबल एंड प्लांटेड एड क्वालिटी मिल जाती है और इसको पुल करते हैं साथ में फीगो की जो टैगलाइन है दैट इज प्ले स्मार्ट वाई फॉलो और इसकी असेंबली हो रही है फोर्ट के सनन प्लांट में विच इज इन गुजरात फायर पे यहाँ पे साउंड डेंडिंग मेटीरियल आपको मिल जाते हैं ओवरऑल यहाँ पे भी साउंड मेटीरियल दिए गए हैं ऑन हैंड और गैज यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन ऑप्शन कम्पेरिजन सो फर्स्ट इज वन पॉइंट टू लीटर टी आई वी सी टी पेट्रोल इंजन विच इज़ थ्री सिलेंडर जो जनरेट करता है नाइनटी फाइव बी एच पी ऑफ पावर एंड वन पॉइंट नाइन एन एम ऑफ टॉल यहाँ पे आपको सिर्फ फाइव स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा इसकी मालीजिए एटीन पॉइंट फाइव के एम पी है और सेकेंड है दोस्तों वन पॉइंट फाइव लीटर टी डी सी आई फोर सिलेंडर डीजल इंजन ये जनरेट करता है हंड्रेड पी एच ऑफ पावर टू हंड्रेड एंड फाइव एन एम ऑफ़ टॉल यहाँ पे आपको फाइव स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा और इसकी मालीजिए ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर के एम पी है एंड फीगो में कोई भी आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन फिलहाल नहीं मिलता सो so अब चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ ऐसी टू स्मार्ट कीज मिलती है विद लॉक अनलॉक एंड टेल गिट स्विच बट यहाँ पर स्मार्ट की रेस एंट्री आपको नहीं मिलेगी तो आपको की से ही लॉक और अनलॉक करना पड़ेगा रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल नहीं है बट वी डू गेट इंजन पुश स्टार्ट बटन ओवर हेयर आप देख सकते हैं सो so ये है ऑल ब्लैक इंटीरियर्स विद लॉट ऑफ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एंड एसेंट्स यहाँ पे अभी कुछ हेडन स्टोरेज इस मिल जाती है और ये है हेड कंट्रोल्स सो दीज आर हेडलैम्प कंट्रोल्स और ये है लैम्प लेवलर विच इज़ क्वाइट लेवल प्लेस्ड और इसको प्रेस करेंगे तो टेल गेट ओपन हो जाता है एंड लॉक हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम आई में श्योर है टेल गेट ओपन एंड अगर हम यहाँ पर बोनेट ओपन करते हैं और आप एम में देखते हैं तो यहाँ पे गाइज आपको बोनेट ओपन का रिमाइंडर नहीं मिलता सिर्फ टेल गेट ओपन का रिमाइंडर मिलेगा और एग्जैक्ट जो डोर ओपन है उसका रिमाइंडर मिलेगा जैसे यहाँ पे शुगर है ड्राइवर साइड डोर ओपन तो वो सब रिमाइंडर आपको मिल जाता है ब्लैक कलर की कार्पेटिंग दी गई है साथ में डेडिकेटेड ट्ल शूट ट्रस्ट आपको नहीं मिलता और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं फ्यूल लेड और यह है ब्लैक कलर फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री विद कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग एंड स्टाइलिश पैटर्न यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है फ्रंट एंड रियर सीट की हेड रेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेगी बिग साइज़ यहाँ पे ग्लास ही दिया गया है लाइट ग्रे कलर में रूफ और यहाँ पे फ्रंट डोर पे आपको फैब्रिक पैड मिल जाता है साथ में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश ओवर हेयर ग्लॉसी ब्लैक एंड साइड डोर हैंडल और पावर विंडोज अवेलेबल है ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको मिलती है ऑटो अप एंड डाउन विद एंटी पिंच फंक्शन साथ में यहाँ पे स्पीकर ट्विन बॉटल होल्डर एंड डोर पॉकेट और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ मिलते हैं फोल्डेबल नहीं दिए गए इस वेरेंट में वो टॉप एंड मॉडल में आपको मिलेंगे इसको भी क्लोज कर देते हैं एंड जब आप यहाँ पे कार को ड्राइव करेंगे तो बोनेट विजिबल नहीं रहता और यह है स्टेयरिंग व्हील के लोग यहाँ पे थ्री स्पोक आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है कंट्रोल्स आर एल्यूमिनेटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिलेंगे ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स नहीं दिए गए और यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेड एडजस्टमेंट मिलती है टेलीस्कोपिक फीगो में नहीं दी गई एंड आर इंडिकेटर कंट्रोल्स साथ में ट्रिप कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स अवेलेबल हैं सो दिस इज द इंट्रोमेंट इले पर एम आई डी स्क्रीन शो करती है एवरेज फ्यूल कंजम्पशन इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन साथ में एवरेज स्पीड कितने लीटर यहाँ पे फ्यूल यूज हुआ पर आवर वॉश होता है टोटल किलोमीटर ऑयल लाइफ सर्विस रिमाइंडर डूबल ट्रिप मीटर डिस्टेंस टू एम एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर और इसको प्रेस करते हैं सो देर इज़ सम स्पेस फॉर योर रिसट एंड वहाँ पर यू एस बी बोर्ड अवेलेबल है एंड गई ये है इन्फरटेनमेंट सिस्टम बेसिकली आपको ऑडियो सिस्टम मिलता है विथ एल सी डी डिस्प्ले यहाँ पर फो स्पीकर दिए गए हैं साथ में ये सिस्टम सपोर्ट करता है ब्लूटूथ यू एस बी एंड रेडियो को और यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर भी मिल जाता है दोस्तों और इसी के साथ आप प्ले करते हैं एक सॉन्ग को चेक करते हैं कैसी है ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे ऑडियो आउटपुट आपको काफ़ी इंप्रेसिव मिल जाता है दोस्तों साथ में यहाँ पे मैनुअल एसी अवेलेबल है विद हीटर ऑटोमेटिक एसी रहता तो ज़्यादा बेटर रहता एनी वेज यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है तो यहाँ पे हम स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट ब्लैक कलर गियर नॉब एंड रिवर्स गियर स्टॉट करेंगे तो रियल में सेंसर्स अवेलेबल है कैमरा आपको नहीं मिलता तो कैमरा बाद में इंस्टॉल हो जाता है फ्रॉम द शोरूम एंड यहाँ पे मल्टीपल स्टोरेज एरियाज अवेलेबल हैं कप होल्डर्स एंड बॉटल होल्डर्स एंड दिस इज द ग्लब बॉक्स और यहाँ पे वायटी मिरर मिल जाता है सेंटर में कैबिल नाम दिया गया डिंग फंक्शन और यहाँ पे नॉर्मल आई आर वी एम अवेलेबल है मतलब डे एंड नाइट आपको आई आर वी एम मिल जाएगा और यहाँ पे टॉल सीट होल्डर मिलेगा ऑन ड्राइवर साइड सनशेड एंड ड्राइवर साइड डोर ओपन होता है कोई भी डोर ओपन होता है तो, तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा ऑन एम आई डी आप चेक करते हैं रियो सीट्स ऑन रोड प्राइस कंपेरिजन भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और ये है रियल डोर के लुक चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स आपको मिल जाते हैं फैब्रिक पैड अवेलेबल है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश पावर विंडो कंट्रोल्स स्पीकर आपको मिल जाता है बट बॉटल होल्डर स्पेस नहीं दी गई एंड दीज आर द रियर सीट्स सेंटर में आमलेस्ट आपको नहीं मिलती बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं फिफ्टी फाइव हंड्रेड में फ्रंट सीट्स के बैक में आप एक पॉकेट मिल जाती है फॉर मैगजीन एंड न्यूज़ पेपर्स रियल एसीवेंट्स गाइज आपको फीगो में नहीं मिलते दोनों साइड यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स अवेलेबल है विद कोट हैंगर और ये है डैशबोर्ड की लुक सो so, आपको कैसे लगा फीगो का ये टाइटेनियम ट्रिम आप ये परचेस करेंगे या कोई और हैचबैक परचेज परचेस करेंगे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आप कौन सी हैचबैक परचेज करने वाले हैं उसका रीज़न क्या है